رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت قسيم الجنة والنار لا يدخل الجنة إلا من عرفك مؤمنين الكرام وناظرين ذوي الاحترام السلام عليكم वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की शब मौलाए कायनात से मंसूब है, इसलिए फजाइल और मसाइब इसी इमाम के बयान किए जाएंगे। हमारे लिए ये बहुत ही खुशनसीबी है कि हमारे दिल में अली जैसे इमाम हुमाम की मोहब्बत की शमा रोशन है। हमारा कल्ब इनकी मोहब्बत से रोशन व मुनव्वर है। इसके लिए हम जितना भी परवरदिगार का शुक्र अदा करें कम है। यकीन जानिए, जितने भी मासूमीन हैं, अगर आप उनकी जिंदगी का मुतालिया करेंगे और उस वक्त से लेकर आज तक एक तजजिया व तहलील करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सबसे ज्यादा अगर किसी से लोगों ने दुश्मनी की है, अदावत की है, तो उसे अली कहा जाता है। मौला अली के साथ एक खास बात ये भी रही कि अली से भी अदावत की गई और अली के साथ साथ उनके फर्जंदों से भी दुश्मनी की गई और सुने और उनके जो शिया हैं उनसे भी दुश्मनी की गई। ये बात आपने बहुत आसानी से ले लिया। जरा तसव्वुर तो करें कि हर दौर में अली के चाहने वालों के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। आप कहेंगे ये सारी फरसूदा बातें हो गईं, आप कोई नई बात पढ़िए, ये तो हम बहुत जमाने से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन अजीजो, आप ही के जमाने में दाइश जैसी मनहूस जालिम खून आशाम जो है ये दहशतगर्दों वाली टीम सामने आई, जिसने किस तरह से अली के चाहने वालों के साथ जो है जुल्म किया है। ये बात कोई बहुत पुरानी तो नहीं है, हमें बनी उमैया का जुल्म जो है याद आ जाता है, बनी अब्बास का जुल्म याद आ जाता है। तो अली से इतनी अदावत क्यों है, अली से इतनी दुश्मनी क्यों है?
मौला अली ने किसी का क्या बिगाड़ा है। याद रखिएगा, जब किसी से दुश्मनी होती है तो उसकी दुश्मनी की चंद वजहें होती हैं। मसलन अगर हमारे पास जो है हुकूमत है तो हमसे दुश्मनी होगी, हमारे पास फौज है तो हमसे दुश्मनी होगी, हमारे पास दौलत है तो हमसे दुश्मनी होगी। यार है या नहीं है? आम तौर से होता यह है। लेकिन वो लोग जो दरे सैयदा के ऊपर आग और लकड़ी लेकर आए थे, उनके पास तो पूरी हुकूमत थी, तो फिर दुश्मनी क्यों की गई? वो लोग जिनके पास हुकूमत थी वही अली के दुश्मन थे। जब इनके पास हुकूमत थी तो इनके पास फौज भी थी, लेकिन उसके बाद भी वो अली के जो मुख्तसर लोगों के साथ मदीने में ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसके बाद भी लोग अली से जो है दुश्मनी करते थे। इतने दुश्मन हो गए कि एक दिन जनाबे फातिमा जहरा ने ये कहा, या अली, हमने सुना है कि ये लोग तुमसे इस कदर जो है दूर हो गए हैं कि अब तुम्हें सलाम नहीं करते। क्या जुमला कहा अजीजों, जरा तवज्जो तो करें, क्या जुमला कहा मौलाए कायनात ने। कहा, ऐ दुख्तरे रसूल, अगर इतनी ही बात होती तो अली सब्र कर लेता, लेकिन बात इससे भी आगे बढ़ गई है, और वो ये है कि अब अली जो है इन्हें सलाम करता है और ये जवाब नहीं देते हैं। लिहाजा इनके पास जो दुश्मन थे उनके पास हुकूमत भी थी, उनके पास फौज भी थी, उनके पास खजाना भी था, इतनी दौलत थी बैतुल माल की कि जो फकीर थे वो गनी बनते गए, जो माली एतबार से कमजोर थे उनका शुमार अगनिया में होने लगा, जो अली के मुखालिफीन थे। तो इनके पास तो सब कुछ था, दुश्मनों के पास, अली के जो दुश्मन थे उनके पास सब कुछ था, उनके पास हुकूमत थी, उनके पास दौलत थी, उनके पास फौज थी, लेकिन उसके बाद भी जो है ये लोग अली के मुखालिफ थे, अली से दुश्मनी कर रहे थे। तो वो कौन सी चीज थी जो अली के पास थी और इन लोगों के पास नहीं थी? तो वो एक चीज थी जिसे इज्जत कहा जाता है। अली के पास जो है इज्जत थी और इनके पास जो है इज्जत नहीं थी। याद रखिएगा अजीजों, नमरूद के पास, फिरौन के पास दौलत थी, नमरूद के पास फौज थी और कारून के पास दौलत थी, लेकिन इनकी दौलत जो है इनके इन्हें काम न आ सकी। नमरूद की फौज काम न आ सकी, कारून का खजाना काम न आ सका। और उसके मुकाबले में कुछ पॉजिटिव शख्सियतें भी हैं, सुलेमान, हजरत सुलेमान के पास हुकूमत थी और हजरत तालूत के पास फौज थी, जनाब खदीजा के पास माल था। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें कभी मुस्बत लोगों के पास भी हो सकती है, लेकिन वो चीज जो अली से और अली जैसे यानी अली के घर वालों से जो चीज मंसूब थी, जो उनके पास थी, उसे इज्जत कहा जाता है। और इज्जत जो है वो अल्लाह कहता है, लिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिहि वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, और इज्जत जो है वो मोमिनीन के लिए है। आप देखें अजीजो, इज्जत आदम के पास थी, इज्जत जो है शैतान के पास नहीं थी। आदम के पास इज्जत थी, शैतान के पास जिल्लत थी। जनाबे मूसा के पास इज्जत थी, फिरौन के पास जिल्लत थी। जनाबे इब्राहिम के पास इज्जत थी, नमरूद के पास जिल्लत थी। मोहम्मद मुस्तफा के पास इज्जत थी और अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान के पास जिल्लत थी। अली के पास इज्जत थी और जो इनके मुकाबले में आए थे उनके पास जो है जिल्लत थी। तवज्जो कर रहे हैं ना, ये एक सिलसिला है जो चला आ रहा है और आज भी ये सिलसिला चल रहा है कि 58 के इज्जत वाले एक तरफ हैं, जिल्लत वाले एक तरफ हैं। 58 मुल्क वो हैं कि जो जिल्लत वालों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक मुल्क वो है जो इज्जत वालों की नुमाइंदगी कर रहा है। या नहीं है दाना मोहतरम?
वो जो है वो एक मुल्क है जो इज्जत वालों की। अब आप देखिए ना, अब आप ये देखिए कि इस वक्त जो हालात हैं, एक मुल्क ऐसा भी है जो अमेरिका के सामने इज्जत की भीख मांग रहा है, अमेरिका के सामने हाथ जोड़े हुए है। क्या कभी आपने सुना कि कभी कोई फकीर से पैसा मांगता है? कभी आपने सुना कि कोई किसी नाबीना से और अंधे से कहे कि मुझे, एक अंधा एक अंधे से कहे कि मुझे जो है रास्ता रोड क्रॉस करा दो? जो जिनके पास खुद इज्जत नहीं है उससे इज्जत मांगी जा रही है। लिहाजा अजीज तो याद रखिएगा, मौला अली से जो है दुश्मनी की जो एक वजह है वो ये है कि इनके पास, इन दुश्मनों के पास इज्जत नहीं है और अली के पास इज्जत है। और आयतुल्लाह है जवादी आमली का एक तज़िया मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा कि अली से दुश्मनी की जो वजह थी, अली से अदावत की जो वजह थी, बहुत तवज्जो कीजिएगा ना मोहतरम, वो ये थी कि जो जो मनसब और जो सीट और जो जगह और जो मकाम इन्होंने हासिल कर लिया था, ये वो मकाम है जो इनका नहीं था बल्कि अली का था। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। ये जो मकाम है, ये जो जगह है जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, इन्हें इस बात का एहसास है कि ये जगह जिस पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं यह अली और अली वालों की जगह है। मैंने अब इससे ज्यादा मैं खुल के जो है गुफ्तगू नहीं कर सकता हूँ। बहुत से लोग हो सकता है कि ये मजलिस जो है सुन रहे हो, तो आखिर जो है, आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है कि जो इनके पास चली गई है और इन्हें खौफ है। आयतुल्लाह है जवादी आमली कहते हैं इन्हें खौफ है कि अगर जरा सा भी जो है हमसे चूक हुई तो ये जो मनसब है ये वापस अली के पास चला जाएगा। शायद मेरी बात वाज़े हो जाए। परवरदिगार से मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह ये जो बहुत ही जरीफ लतीफ नुक्ता है ये जो है पहुंच जाए हमारे मोमिनीन तक जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। मौलाए कायनात, मौलाए मुत्तकियान के पास एक ऐसी चीज है जो इन्हें खौफ है कि अगर ये जरा सा भी इन्होंने गफलत बरती तो वो चीज जो है, वो मनसब जो है वो मौला तक पहुंच जाएगा। और वो क्या है अजीजों? ये वही मनसब है जिसे गदीर खुम में जो है पैगंबर इस्लाम ने ऐलान किया था कि मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला। ये मनसब था, खौफ था, डर था कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर जो है। अब आप देखिए कि एक लफ्ज है पलटना और एक लफ्ज है आना, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मिसाल के तौर पे मैं पूना में रहता हूं और अगर मैं यहां से दिल्ली जाऊं तो कहा जाएगा, दिल्ली वाले कहेंगे कि मैं दिल्ली आया हूं, लेकिन दिल्ली जाने के बाद वापस फिर जब मैं पूना की तरफ आऊंगा तो कोई ये नहीं कहेगा मैं पूना आया हूं, बल्कि कहा जाएगा मैं पूना पलट गया हूं, वो वापस आया हूं, पलटा हूं, यही कहा जाएगा ना। क्यों? इसलिए कि ये मेरा घर है, यहां पर मैं रहता हूं। अब आइए, जब पहला दौर आया तो खतरा महसूस हुआ, दूसरा, बहुत प्यारी बात है तो जवादी आमली कहते हैं, दूसरा दौर आया तो खतरा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो ये मनसब जो है अली तक पहुंच जाए, तीसरा दौर आया तो मनसब जो है खौफ था कि ये मनसब खिलाफत जो है कहीं अली तक ना पहुंच जाए। इसलिए याद रखिएगा कि अली में और बकिया लोगों में फर्क ये है कि ये जो है रसूल की वफात के बाद एक जगह पर गए जिसे सकीफ़े बनी सायदा कहा जाता है, वहां पर जाने के बाद इन्होंने मनसब को हासिल किया, लेकिन जो मुस्तहक था लोग जो है खुद उसके दरवाजे पर आए कि या अली अब आप इस मनसब को हासिल कर लीजिए। शायद मेरी बात इंशाअल्लाह आप तक पहुंची होगी अज़ीज़ान-ए-मोहतरम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम बात है कि
अब इसे देखिए मौला अली ने कैसे साबित किया। अली परवरदिगार नहजुल बलागा है, अली की जो शख्सियत है वो बहुत ही बुलंद है। एक एक लफ्ज जो है नहजुल बलागा का आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एक एक लफ्ज एक एक सेंटेंस जो है अपनी जगह पर मानियो मफहूम का एक समुंदर नजर आता है। मौलाए कायनात जो है, मौलाए कायनात जब चौथे दौर में और लोग आए और कहा या अली अब जो है हमसे संभाला नहीं जा रहा है, आप खुद आइए, तो मौलाए कायनात वो सब आप सुनते रहते हैं कि मौलाए कायनात ने वो जो मिंबर था ना, वो पहले मिंबर पे बैठे ना दूसरे पे बैठे ना तीसरे सीने पे बैठे, ना पहले सीने पे नहीं बैठे, दूसरे पर भी नहीं बैठे, तीसरे पर भी नहीं बैठे, बल्कि चौथे सीने पर बैठे यानी अर्शे मिंबर पर बैठे कि जहां पर रसूल खुदा बैठा करते थे। और अमली एतबार से ये बताया कि जो रसूल की जगह थी अली उसी जगह पर बैठता है। क्यों? इसलिए कि जानशीन रसूल जो है वो रसूल ही की जगह पर बैठेगा। बात वाजे हो रही नहीं वाजे हो रही है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अब जो है ये तो अमली एतबार से आपने साबित किया कि मैं जानशीन वाकई हूं, मैं रसूल का हकीकी जानशीन हूं। उसके बाद आपने खुतबा दिया, एक खुतबा दिया, उस खुतबे का एक फिक्रा मैं चाहता हूं कि आपके सामने पेश करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है अजीज। हो खुद मौला जाते हैं मिंबर के ऊपर और अर्शे मिंबर पे बैठते हैं, रसूल की जगह पर बैठते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान रजअल हक अला मकान। अल्लाह अकबर। लोग उलमा ने इस सिलसिले में जो है यहां पर नकल किया है और इस जुमले के ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं और बड़े बड़े उलमा ने तकरीरें की हैं मौला अली के इस एक फिक्रे के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान रजअल हक अला मकान। बहुत तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा मौला ने? सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए, उसके उस एहसान के ऊपर है कि जिसकी वजह से रजअल हक अला मकान, हक जो है उसकी जगह पर आकर बैठ गया है, हक वापस आ गया है और अपनी जगह पर आ गया है। आपने अंदाजा लगाया कि यहां पर जो है हक को उसकी जगह मिल गई है, वो वापस आ गया है, अपनी जगह पर वापस आ गया है। मौला अली ये बता रहे हैं कि रजअल हक्को अला मकाने का मतलब ये है कि वापसी हुई है, यानी अब तक जो दौर गुजर रहे थे, अब तक जो जमाना गुजर रहा था, वहां पर हक जो है अपनी जगह पर नहीं था, अब जाकर हक अपनी जगह पर आया है। लिहाजा मोहतरम ये खौफ था, ये डर था और यही खौफ जो है आगे भी बढ़ा। मैं मसाइब पे अभी नहीं आ रहा हूं लेकिन यही खौफ अजीजो, यही खौफ आगे भी बढ़ा कि यही खतरा इमाम हसन से भी हुआ, यही खतरा जो है वो इमाम हुसैन से भी हुआ और इसके बाद जो सिलसिले पाकीज़ा इमाम मासूमीन का है, जो सिलसिला जलीला है, वहां भी यही खतरा था, वहां भी यही खतरा था। इसलिए अजीजो याद रखिएगा कि हदीसें पैगंबर इस्लाम ने इतनी बयान कर दी थी मौला अली के बारे में कि ये सारी हदीसें जो थी, ये हदीसें लोगों के दरमियान जो है मौला अली की अजमत को बढ़ा रही थी। मसलन एक हदीस सुन लीजिए, या अली हो अंता व शियातुका हुमुल फायजून, ए अली तुम और तुम्हारे शिया ये कामयाब हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप इतनी आसानी से ना ले लीजिए। यानी क्या मकसद? यानी पैगंबर इस्लाम ने इस हदीस के जरिए से एक पेशनगोई की क़यामत तक के लिए कि जब अली और अली के शिया कामयाब हैं तो जो अली के साथ होगा वही तो कामयाब होगा, वही तो शिया अली होगा। तो ऑटोमेटिक इस मंतूक का मफहूम यह निकला
कि जो अली के साथ नहीं है वो कामयाब नहीं है। और जब जरबत लगी तो अली ने ये ऐलान भी किया कि फुस्त व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। कहने का मकसद ये है कि सबसे बड़ा मसला, ये सारी हदीसें जो थी ये इन लोगों को जो इनकी नींद उड़ाई हुई थी, तो अली को पहचानी है, अली का रब्त जो है उनके शियों से कैसा है, ये भी एक मसला है जो इसे जानना बहुत जरूरी है। याद रखिए पैगंबर ने इसे कई बार, अब मैं आ रहा हूं कुछ वो बातें जिसका ताल्लुक हमसे और आपसे है, मुहिब्बान अली से है। अभी मैंने बताया दुश्मनान अली का तस्करा किया, तो अब दोस्तान अली का भी तस्करा होना चाहिए, अब शियान अली का भी तस्करा होना चाहिए। अली उस जात का नाम है, अल्लाह अकबर, मैं कैसे बयान करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुख्तसर अल्फाज हैं और मफहूम बहुत ही वसी है, मफहूम बहुत ही फैला हुआ है अजीजो, मैं कैसे इसको बयान करूं। अली उस जात का नाम है जो दुनिया में भी हमारा मददगार है और कब्र में भी हमारा मददगार है। मैं एक बात दर्ज करूं आपकी खिदमत में, मैं बहुत ही अहम बात है, ये जन्नत कब मिलेगी, अली के जरिए मिलेगी। मैंने हदीस आपके सामने पेश कर दी, या अली अंत कसीमुल जन्नते, जी बोलिए, या अली अंत कसीमुल जन्नते बन्नार, है ना, ये हदीस मैंने आपके सामने पढ़ दी। अब आइए दुनिया और जन्नत के दरमियान का जो वक्फा है वो कहां से शुरू होता है, वो शुरू होता है आलम नजा से, जब हमारा दम निकल रहा हो, यहां से जो जमाना शुरू होता है और वो कयामत तक, जब तक कयामत नहीं आ रही है, ये जो जमाना है, ये जो पीरियड है, ये जो वक्फा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अली इन जगहों पर भी काम आएंगे, अल्लाह अकबर। मसलन जब हमारा दम निकल रहा होगा तो पैगंबर ने खुद फरमाया और खुद मौलाए कायनात ने भी हारिस हमदानी को मुखातब करके, जब वो बीमार थे और उनकी आदत के लिए मौला गए, मौला ने कहा था हारिस हमदानी मैं उस मौके पर भी आऊंगा कि जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। अल्लाह अकबर। हारिस हमदानी ने कहा मौला फिर तो मौत से घबराने की क्या जरूरत है, जब आप मौजूद रहेंगे, जब आप हमारी जो है आपकी हम ज्यारत करेंगे और आप हमारी मदद करेंगे तो हमें मौत से डरने की जरूरत क्या है। याद रखिएगा मौलाए कायनात की के अनगिनत कमालात व फजाइल में से एक फजीलत यह है कि वो कब्र में भी हमारा साथ देने के लिए आएंगे और मुख्तलिफ जगहों पर हमारा साथ देने के लिए आएंगे। क्योंकि मैंने अर्ज किया कि ये शब्द जो है मौलाए मुत्तकियान से मरबूत है, लिहाजा एक दास्तान में चाहता हूँ बतौर हदिया आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। अली के शहदाई, अली के चाहने वाले मजलिस सुन रहे हैं और ये जो वाकया है ये मेरा बहुत ही पसंदीदा वाकया है, मैं चाहता ही हूँ कि इसे आपकी खिदमत में पेश करूँ। इस वक्त बहुत से शुरा किराम भी हैं जो मुझे मेरी तकरीर को समाप्त फरमा रहे हैं, मैं चाहता ही हूँ कि वो भी इसको तवज्जो के साथ सुने। एक शायर है जो इमाम जाफर सादिक के जमाने में, ये शायर था, इसका नाम था इस्माइल इब्न मोहम्मद और ये सैयद हिमयरी के नाम से मशहूर हुए। अगर आप 10 बड़े अरबी के शायरों को जिन्होंने मोहम्मद वाले मोहम्मद की मदा में कसीदा कहे हैं, कसायद कहे हैं, अगर आप उनको शुमार करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो जनाबे सैयद हिमयरी जो हैं वो उनमें से एक होंगे। 2300 कसीदे आपने मौला अली और अहले बैत की शान में कहे हैं, अंदाजा लगाइए इतना बड़ा शायर। ये पहले किसी और मजहब से ताल्लुक रखते थे, जवानी ही में इमाम जाफर सादिक से मिलकर जो है आपके वजूद में एक इनकलाब पैदा हुआ।
आपके वजूद में एक तब्दीली पैदा हुई और आप जो है मजहब हक की तरफ आए, और उसके बाद तो फिर दुनिया ही बदल गई और सैयद हिमयरी का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। इतना बड़ा शायर, इतना जबरदस्त अरबी का शायर के जनाब सैयद हिमयरी का नाम हर शख्स की जबान पर आ गया। मैंने अर्ज किया कि 2300 कसीदे जो हैं आपने लिखे, और ये पहले किसी और मजहब से ताल्लुक रखते थे। अब हुसैन इब्ने औन इस रवायत को नकल करते हैं। आगा इश्तहारदी ने ये वाकया लिखा, इत्तेफाक से किताब भी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। ये वाकया जो है बहुत ही जबरदस्त है कि जब इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया और इनके इलाके में ये खबर आम हो गई कि सैयद हिमयरी का वक्त आखिर है, नजा का आलम है, जाकनी का आलम है, तो इनके मोहल्ले में कुछ नासिबी रहा करते थे। उन्होंने कहा चलो चल के देखें कि इनका दम कैसे निकलता है। ये बहुत बड़े अली के शहदाई हैं, बहुत ज्यादा अली के चाहने वाले हैं। चुनांचे ये नासिबी भी उस मौके पर पहुंचे। आप जाकनी के आलम में थे, दम निकलने वाला था, लोगों ने देखा सैयद हिमयरी बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत ही नूरानी इनकी शक्ल थी और पेशानी भी काफ़ी वसी थी। चुनांचे लोगों ने देखा कि इनकी पेशानी से एक स्याह नुक्ता जो है, एक डॉट, काला ब्लैक डॉट जो है इनकी पेशानी पर उसे जाहिर होता है, और वो बढ़ते बढ़ते पूरे चेहरे तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि पूरा चेहरा जो है सैयद हिमयरी का स्याह हो जाता है। ये नासिबी जो इसी लिए आए थे देखने के लिए कि देखें क्या होता है, ये बहुत खुश हुए कि देखा अली से बड़ी मोहब्बत करता था ये, और बड़े कसीदे इसने कहे, बहुत से अशआर कहे, आज देखो इसकी क्या हालत हो रही है। लेकिन पता नहीं खुदा को क्या मंजूर था कि थोड़ी देर के बाद लोगों ने देखा फिर एक नूरानी नुक्ता जो है पेशानी पर जाहिर होता है और पूरा चेहरा जो है इनका नूरानी हो जाता है और आलम नजा से बाहर आ जाते हैं, जाकनी के आलम से बाहर आ जाते हैं, और गोया जो इनको एक नई जिंदगी मिलती है, और जब नई जिंदगी मिलती है तो आंखें खोल देते हैं, और आंखें खोलने के बाद अपने एक फर्जन से कहते हैं मेरे लिए कलम लेकर आओ। बहुत तवज्जो कीजिएगा अजीजों, कलम व कागज लाया जाए। और फिल बदी जो है इर्तिजालन जो है इन्होंने शेर कहना शुरू किया, शेर लिखो, मैंने आलम ख्वाब में जो देखा है मैं वो बताना चाहता हूँ, अभी मुझे मेरे मौला से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे वापस किया है, और उसके बाद शेर लिखा। क्यों? इसलिए कि जो है ये नासिबी जो खड़े हुए थे ये कह रहे थे कि अब ये जो है इसका काम तमाम हो रहा है। अब उसके बाद सैयद हिमयरी ने शेर कहना शुरू किया कि कज़बत ज़ाइमून अन अलियन लन युनजी मुहिब्बहु मिन अलहनाती। क्या खूबसूरत शेर है, कहते हैं कज़बत ज़ाइमून अन अलियन, ये गुमान करने वालों ने जो गुमान किया था कि अली मेरी मदद नहीं कर सकता है, ये झूठे हैं, ये काजिब हैं, अली से मेरी बात हो गई है और वो जो हैं हमारी मदद करते हैं, हमें नजात देते हैं। कद व रब्बी दखल तो जन्नत अदनिन व अफालियल इलाहु अन सय्याती। अरे अभी अभी तो मैं बहिश्ते बरज़खी में गया था, व अफालियल इलाहु अन सय्याती, मेरे तमाम गुनाहों को मेरे परवरदिगार ने अली के की मोहब्बत में और उनके लिए जो मैंने कसीदे कहे उसकी वजह से मेरे सारे गुनाह जो हैं माफ कर दिए। अब जो एक जुमला सुनिए जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी है, फिर कहते हैं सैयद हिमयरी, फअबशिरुल यौम औलिया अलीन, फअबशिरुल यौम औलिया अलीन व तवल्लल वसीयत तल ममाती। क्या कहते हैं,
क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या प्यारा अंदाज है जनाब सैयद हिमीरी का। कहते हैं कि जो भी अली के चाहने वाले हैं उन सबको आज ये खुशखबरी दे दिया जाए कि वो इस अली से उस वक्त तक मोहब्बत करते रहें जब तक कि दम ना निकल जाए। मोहब्बत अली को लेकर इस दुनिया से उस आलम में जाएं, ये बशारत दे दो। फअबशिरु अल्यौम औलिया अलीन। तो आपने अंदाजा लगाया, उसके बाद फरमाते हैं सैयद हिमीर के सुम्मा मिन बाद ही तवल्लौ बनी है वाहिदन बाद वाहिदिन बिस्सिफाती। और देखो फकत अली की मोहब्बत काफी नहीं है बल्कि अली के साथ साथ जो है उसकी उनसे भी मोहब्बत करो कि जो इनकी नस्ल में आने वाले इमाम हैं, इनसे भी मोहब्बत करो। आपने अंदाजा लगाया आज़ीज़ान मोहतरम कि ये कितना खूबसूरत और कितना प्यारा अंदाज था। इसलिए अली जो हैं, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये अल्लाह के खजाने में से एक अनमोल खजाना है जिसे अली कहा जाता है। याद रखिएगा अजीजो, मैं आखिर कलाम में एक बात और अर्ज कर दूं, मजलिस बहुत तुलानी पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन सुने जाने मोहतरम के अली क्या हैं। अली अल्लाह के खजाने में से एक अनमोल खजाना है। दो शख्सियतें हैं, एक जनाब अबू तालिब हैं और एक जनाब खदीजा हैं। जनाब खदीजा का लकब क्या है हम सब जानते हैं, मलीकतुल अरब। और जनाब अबू तालिब का लकब क्या है, सैयद बतहा है, यानी वो सरदार हैं। लेकिन ये दो शख्सियतें ऐसी थीं कि जनाब खदीजा के पास इतनी दौलत थी कि जिसकी वजह से जनाब खदीजा को मलीकतुल अरब कहा गया। इनके पास कोई गवर्नमेंट नहीं थी, इनके पास कोई हुकूमत नहीं थी, इनके पास कोई जो है सरकार नहीं थी, बल्कि दौलत की बुनियाद पर इन्हें मलीकतुल अरब कहा गया। कितनी दौलत रही होगी, लेकिन जब आपने जब रसूल खुदा से शादी की है तो अपनी पूरी दौलत को जो है राह इस्लाम में खर्च कर दिया। सुनेंगे रवायत, मैंने एक आलिम दीन से ये रवायत सुनी है, उन्होंने पढ़ा था कि जनाब खदीजा की जब जिंदगी का आखिरी वक्त आया है तो इतना पैसा नहीं था कि जनाब खदीजा को कफन दिया जा सके। इसलिए पैगंबर की हालत को देखते हुए जनाब खदीजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह अगर मेरे कफन का इंतजाम ना हो तो आप मुझे उसी लिबास में दफन कर दीजिएगा। अल्लाहु अकबर, जिसने अपनी पूरी दौलत को जो है वो इस्लाम के लिए खर्च कर दिया हो, ये कितना बड़ा एहसान है जो जनाब खदीजा ने किया। और उसके बाद आप देखें उधर जनाब अबू तालिब हैं जो सरदार मक्का हैं, जो सैयद बतहा हैं जनाब अबू तालिब, लेकिन हिमायत इस तरीके से की कि आप आखिर में इतने कमजोर हो गए थे कि आपके पेट की हड्डियां जो हैं वो दिखने लगी थी, पसलियां जो हैं वो नुमाया हो गई थी, इतने कमजोर हो गए थे रसूल की और इस्लाम की मदद करने में। अल्लाह ने कहा, अय अबू तालिब, तुम्हारे पास जो कुछ था तुमने सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अय खदीजा, तुम्हारे पास जो कुछ था तुमने सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया, तो अब मुझे भी तो अपने अनमोल खजाने में से कुछ देना चाहिए। हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला जो है एहसान के अलावा कुछ नहीं है, हमें भी तो कुछ देना चाहिए। अल्लाह ने कहा, अय खदीजा, हम अपने अनमोल खजाने में से जिस खजाने को तुम्हें दे रहे हैं उसे फातिमा कहा जाता है, और ए अबू तालिब, हम अपने अनमोल खजाने में से जो तुम्हें दे रहे हैं उसे अली कहा जाता है। इस फर्क के साथ के फातिमा को रसूल के घर में उतारा, अली को अपने घर में उतारा। तो अली
तोहफे परवरदिगार हैं अबू तालिब के लिए, अबू तालिब की के जो इसार हैं, जो कुर्बानियां हैं, उस कुर्बानी के बदले में जो चीज अल्लाह की जानिब से दी गई है वो उसे अली कहा जाता है, उसे अली कहा जाता है। लिहाजा इब्तिदा से लेकर आप देखिए आगाज जो हुआ है मौला अली की विलादत जो हुई है, वहीं से फजाइल व कमालात शुरू हो गए, वहीं से फजीलत जो है सामने आई कि तीन दिन का अली जो है काबे में पैदा होना ये एक फजीलत, और उसके बाद जब तीन दिन के हुए तो मौला अली ने जो है रसूलुल्लाह की आगोश में आकर पहला काम ये किया कि आप उस सलाम किया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अभी जो है रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत नहीं किया है, लेकिन अली रसूलुल्लाह कहकर सलाम करके बता रहे हैं कि हम में और उम्मत में फ़र्क ये है कि उम्मत वो है कि जो ऐलान रिसालत के बाद जो है रसूल कह रही है, हम तो इन्हें आलम अनवार में, आलम अरवाह में जो है इन्हें रसूल मानते थे। तीन दिन के जब हुए तो आपने तौरात की तिलावत की, आपने जबूर की तिलावत की, आपने इंजील की तिलावत की, आपने कुरान की तिलावत की, और कुरान में आयत क्या है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। तुम जब पैदा हुए थे तो जब तुम पैदा होते हो ए इंसान तो तुमको जो है कुछ इल्म नहीं होता, जाहिल पैदा होते हो, ये अल्लाह ने इंसानों की तारीफ में कहा। लेकिन ये आम इंसान हैं जब पैदा होते हैं तो ला तअलमून शैया, उनके पास कोई इल्म नहीं होता, वो जाहिल होते हैं। लेकिन हमारा अली वो है जो तीन दिन की उम्र में कभी तौरात की तलावत करता है, कभी जबूर की तलावत करता है, कभी इंजील की तलावत करता है, कभी कुरान की तलावत करता है, और ये तलावत करके बताता है कि उम्मत और है और अली और हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम हमें जो है इन बातों की तरफ गौर करना होगा कि हम जिस अली से मोहब्बत करते हैं, पैगंबर ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता इल्ला मन अरफक, ऐ अली जन्नत में वही दाखिल होगा जो तुम्हारी मारिफत रखता होगा। मारिफत जहां जहां मारिफत होगी उसी एतबार से, उसी एतबार से अजीजो मारिफत के एतबार से हमारी शख्सियत बुलंद होती है। मारिफत जितनी ज्यादा होती जाएगी हमारी शख्सियत जो है उतनी ही बुलंद होती जाएगी। ये मजलिस जो हो रही है और जितनी मजलिसें भी क़यामत तक होती रहेंगी, इसकी वजह मैंने अर्ज़ किया शुरू में, अली और औलाद अली अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करने के लिए ये मजलिसें बरगुजार की जाती हैं। अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, दीन का आगाज जो होता है वो मारिफत से हुआ करता है। अल्लाहु अकबर, अगर दुनिया को मारिफत होती ना तो इतना जुल्म दुनिया न ढाती। हाँ आज़ादारों, 19 रमजान की जो शब है वो अली के घर वालों के लिए बहुत ही दर्दनाक शब है। आज मेरे मौला, आज मेरे आका, आज मौलाए कायनात जो हैं अपनी बेटी के घर पे इफ्तार के लिए आए हैं। बाप और बेटी का रिश्ता हम सब जानते हैं कि कितना अहम हुआ करता है। उम्मे कुलसूम ने इफ्तार पे अपने बाबा को मदु किया है, मौलाए कायनात ने इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद एक मर्तबा इस हुजरे से बाहर निकले और सहने खाना में आए, सहने खाना में आने के बाद अली ने आसमान की जानिब देखा और उसके बाद कहा अभी वक्त नहीं आया है। अल्लाहु अकबर, अभी वक्त नहीं आया है, मुझे किसी किताब में तो नहीं मिलता है, लेकिन अजीजों ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है कि बेटियों को ये खबर हो गई है कि आज अली की जो शब है, आज
जो है शबे सरबत है, ये बेटियों को इसकी खबर हो चुकी है। आजीजो दलील सुनेंगे आप मुतमईन होंगे कि जनाब जैनब को भी ये मालूम है, जनाब उम्मे कुलसूम को भी ये मालूम है। पूरी रात अली जो है तड़प रहे हैं, क्यों? इसलिए कि आज लिकाउल्लाह का मौका है, अल्लाह से मुलाकात का मौका है। अली जो है आज अल्लाह की बारगाह में जाना चाहते हैं, कभी जो है हुजरे में आते हैं, कभी आसमान की जानिब निगाह करते हैं और कहते हैं अभी वक्त नहीं आया है। यहाँ तक के अजीजो वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, यहाँ तक के सहरी का मौका आया। अली ने सहरी भी नोश फरमाई होगी, क्योंकि ये वो इमाम है जो रोजे की हालत में शहीद किया गया है, जो रोजेदार की हालत में रोजा रख के जो है दुनिया से गया है। हाँ आजादारो जो उन्हें जरबत लगी है, हाँ आजादारो मौलाए कायनात जो हैं, मौलाए कायनात जो हैं घर से निकलना चाहते हैं, मस्जिद की तरफ जाना चाहते हैं, अल्लाह से राजो न्याज करने के लिए जाना चाहते हैं, घर से निकले आजादारो मौलाए कायनात जो हैं वो घर से निकले, अभी दरवाजे के करीब पहुंचे थे कि बत्तखों ने आके आपका रास्ता रोक दिया, बत्तखों ने आके आपका रास्ता रोक दिया। हाँ आजादारो बत्तखें समझ रही हैं कि अब अली जा तो रहे हैं अपने पैर से, लेकिन वापस जब आएंगे तो हसन हुसैन के साथ एक उनके हाथों पर आएंगे। आजादारो मौलाए कायनात जो हैं आगे बढ़े, बत्तखों ने रोका, एक और मंजिल आई, जंजीरे दर ने रोक दिया, जंजीरे दर ने जो है रोका। गोया आवाज दी, मौला मौला न जाइए, आखा न जाइए, क्योंकि एक मलून जो है वो मस्जिद में बैठा हुआ जो है जहर में बुझी हुई तलवार लेकर इंतजार कर रहा है। हाँ आजादारो इन जानवरों को खबर है कि अली जाएंगे तो सर पे जरबत लगेगी, जंजीरे दर को खबर है कि आज अली को रोक रही हैं। सोचिए अजीजो, जब इन्हें खबर है तो क्या इमाम हुसैन को खबर न होगी, इमाम हसन को खबर न होगी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को खबर न होगी? अज़ुरकमल्लाह। हाँ आज़ादारो आप रोने के लिए तैयार हो चुके हैं, आपके आंखों में आंसू आ गए हैं। हाँ गिरिया कीजिए, आज इमाम जमाना को पुरसा दीजिए, आज हम सब यतीम हो रहे हैं, शियों के यतीम होने का वक्त आ रहा है। हाँ आजादारो, हाँ आजादारो मौलाए कायनात मस्जिद में गए, देखा वो मलून सो रहा है, उसे बेदार किया, उसे जगाया। कुर्बान जाएं ऐसे अखलाक के ऊपर, कुर्बान जाएं ऐसे अंदाज के ऊपर कि अली वो है जो अपने दुश्मन को भी नमाज के लिए उठा रहा है। हाँ मौला, हाँ मौला आपको इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि जो आपका आपको कत्ल करने वाला है वो बेनमाजी रहे, तो आप अपने चाहने वालों से जो है क्या उम्मीद रखते होंगे? हाँ आजादारो नमाज शुरू हुई, लीजिए नमाज का वक्त आ गया, नमाज शुरू हुई, नमाज का मौका आ गया, नमाज शुरू हुई। मौलाए कायनात ने जैसे ही जो है सजदे में सर रखा, आजादारो वो जालिम जो मुंतजिर था उसने तलवार को नियाम से निकाला, बुझी हुई तलवार नियाम से निकाला और एक मरतबा अली के फर्क के ऊपर, अली की पेशानी के ऊपर वो तलवार चली। बस आजादारो खून का फवारा अली के सर से जारी हुआ, सर शिगाफ्ता हुआ, अली जमीन पर गिरे। आजादारो जख्म जो है इतना शदीद था, इतना सख्त था कि मेरा मौला जो है इस तरीके से तड़प रहा था जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो उस मछली की क्या कैफियत होती है, बस बिल्कुल ऐसी ही कैफियत जो थी मौला अली की हो रही थी। इमाम हुसैन ने जो है एक गली में मौला अली को रखा, बैतुल शरफ की तरफ चले। आजादारो इधर जो है जिब्रील अमीन ने आवाज दी, लकद तहद्दमत अरकानुल हुदा, हिदायत के अरकान मुनहदिम हो गए, हिदायत के अरकान मोहम्मद मुनहदिम हो गए। कद कुतला वसी अली अलीयुनिल मुर्तजा,
अल्लाह, अली मुर्तजा कत्ल कर दिए गए, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, हाँ आजादारो, ये आवाज कूफे में जो है फैल गई, जिब्रील अमीन की आवाज कूफे में फैल गई, एक आवाज मुझे कूफे में सुनाई दी, एक आवाज जिब्रील की मुझे करबला में सुनाई दी, कूफे में आवाज दी थी जिब्रील ने, एक अली मुर्तजा कत्ल कर दिए गए, लेकिन जब हुसैन की शहादत हुई तो अंदाज बदल गया, अल्फाज बदल गए, आवाज दी जिब्रील ने कि अला कद कुतल अल हुसैन बे करबला, अला कद ज़बहल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए, हुसैन करबला में ज़िबह कर दिए गए, अजरकुम अल्लाह, हाँ आज़ादारो, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने मौलाए कायनात को एक गली में रखा और लेकर जो है बैतु शरफ की तरफ चले, बैतु शरफ की तरफ चले, असहाब का मजमा है, चाहने वालों का मजमा है, चाहने वालों की भीड़ है, हर एक दरवाजा घर घर की तरफ जा रही है, वो अली जो आलम गश में है, जो गश के आलम में है, उन्हें एहसास हो गया, अरे चाहने वाले अली के घर के करीब हो रहे हैं। एक मरतबा अली ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद आवाज दी, आवाज दी, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल हसन, मेरे साथियों से कह दो, मेरे शियों से कह दो, मेरे चाहने वालों से कह दो कि मेरे घर के करीब ना आए, क्योंकि मेरी बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम रो रही हैं। अली नहीं चाहता, अली नहीं चाहता कि मेरे बेटियों, मेरी बेटियों की, बेटियों के रोने की आवाज ना महरमों के कानों में जाए। मैं दस से अदब जोड़कर कहूंगा, मौला आपको ज़ैनब की इतनी फिक्र है, उम्मे कुलसूम की इतनी फिक्र है, अजरकुम अल्लाह, हाँ आज़ादारो, मौला आपको इतनी फिक्र है कि आपके बच्चियों की आवाज भी ना महरमों के कानों में न जाए। ए मौला, अरे करबला के बाद दरबार इब्ने ज़ियाद होगा, दरबार यजीद होगा, आपकी बेटियां होंगी, शिवर पहचनवा रहा होगा, ए तमाशा देखने वालों तमाशा देखो, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये रुकैया है, अजरकुम अल्लाह, हाँ आज़ादारो, मैं यहीं पर मजलिस ख़त्म कर देता, लेकिन लेकिन गिरिया करने का वक्त है, आज शबे शबे गिरिया है, आज शबे गम है, आज़ादारो, मौलाए कायनात की ये खबर दे, ये ज़रबत लगने की खबर जो है पूरे कूफे में आम हो गई, पूरे कूफे में आम हो गई, और ये बताया गया, ये खबर आम हो गई कि हकीम ने, तबीब ने ये कहा है, मौला अली को अगर दूध दिया जाएगा तो इस दूध की वजह से जख्म जो है वो जल्दी मुंतमिल हो जाएगा। हाँ आज़ादारो, जब जब कूफे के लोगों को यह खबर मिली तो हर घर की औरतें जो हैं अपने घर में एक दूध का प्याला लिए हुए अली के घर के बाहर पहुंच गईं, या अली हम दूध लेकर हाजिर हैं। मैं कहूंगा, मौला कूफे में और करबला में यही फर्क है, कम से कम यहाँ पर आपके लिए दूध का प्याला लेकर तो लोग आ गए। हाय करबला, जहां आपका हुसैन 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया, न किसी ने पानी दिया, न किसी ने मेहमान नवाजी की। वसयालमु लजीन ज़लमु अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمغفر والقدوة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبين الازهر والحسب الاطهر والنسب الاشهر النبي الامي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتغي البتي التهامي الحجازي العربي
الرسول المزدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين الى سبيل الله بالحكمه وبالموعظه الحسنه سيما امير المؤمنين وامام المتقين علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد اما بعد فقد قال الله تعالى في قران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف نے حاصل کیا ہے مشہور و معروف ترین آیت ہے کہ جسے میں نے آج کی گفتگو کے لیے اپنا عنوان قرار دیا ہے اس آیت میں خداوند عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہو رہا ہے وہ لوگ کے جو ایمان لا چکے وہ لوگ کے جن کے دلوں کے اندر توحید نبوت رسالت عدل امامت و قیامت راسخ ہو چکا ہے اور پہنچ چکا ہے صرف زبان پہ نہیں ہے بلکہ وہ دلوں کی گہرائیوں میں مسکن پذیر ہو چکا ہے ان سے مخاطب ہو کے خداوند عالم آواز دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو صرف ایمان کے زینے پہ قدم رکھ دینے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے آگے کا مرحلہ بھی ہے کہ جو تمہیں سر کرنا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو سچے ہیں جو صادقین ہیں یہ مطالبہ ہے خداوند عالم کا ہر اس انسان سے کہ جو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ترقی کے اور بلندی کے زینوں کو طے کرے اور تقوی کے زینے کے اوپر قدم رکھے پھر اس کے بعد صادقین کے ساتھ ہو جائے ان کے ہمراہ ہو جائے ان کی سیرت ان کا کمال اور ان کا جو نقش قدم ہے اس کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھ کر کے اپنی زندگی کی راہوں کو طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچے یہ مطالبہ ہے خداوند عالم کا اب اس آیت کے ذیل میں آپ حضرات جانتے ہیں اور ڈھیروں خطبہ سے ذاکرین سے علماء سے اس آیت کے ذیل میں آپ حضرات مجلسیں سنتے بھی چلے آ رہے ہیں اور اچھی طریقے سے اس کی تفسیر سے اس کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں آج جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ آج کی شب اور جس کی شہادت کے موقع پہ یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اس کی چند سفارشات اور چند وصیتوں کے اوپر میری یہ مجلس ہے کہ جو آج میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں اللہ رسول اور اہل بیت یہ ایک سلسلہ ہے ہدایت کا کہ وہ خدا کہ جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے تو اس نے اہتمام انسان کے حوالے سے اس عنوان سے کیا کہ اگر اس انسان کو جسم عطا کیا تھا تو جسم کی چند ضرورتیں تھیں تو خدا نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی کہ جو تمہارے جسم کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو بھی میں ہی پورا کروں گا اور اگر ہمیں ضرورت مند بنایا تھا تو جو ہماری ضرورتیں تھیں وہ ہمارے وجود سے پہلے عالم وجود میں آ گئیں اللہ نے انہیں پہلے خلق کیا ہمارے جسم کی ضرورت یہ تھی کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے خدا نے غذا پہلے پیدا کی اور غذا کھانے والے کو بعد میں پیدا کیا ہمیں پیاس لگتی ہے ہماری ضرورت پانی ہے تو اللہ نے ہماری خلقت ہی پانی سے کی
और इस पानी का इंतज़ाम खुदा ने पहले किया, हम बालम वजूद में बाद में आए। इसी तरीके से सारी वो ज़रूरतें कि एक इंसान के जिस्म को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, जब वो सालिम रहता है जिस्म तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, जब वो बीमार हो जाए तो उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारा इंतज़ाम खुदावंद आलम ने इंसान के वजूद में आने से पहले किया। तो अब इंसान मुरक्कब है दो चीज़ों का, हम खाली जिस्म नहीं हैं बल्कि हम उस वक्त बनते हैं कि जब जिस्म और रूह दोनों एक दूसरे से वाबस्ता हो जाएं। तो जिस तरीके से इंसान के जिस्म की ज़रूरत है, वैसे ही इंसान की रूह की भी कुछ ज़रूरतें, उसकी भी कुछ ग़िज़ा है। तो जो खुदा हमारे जिस्म की ग़िज़ा का इंतज़ाम कर रहा है और हमारे वजूद से पहले इंतज़ाम कर रहा है, वही खुदा हमारी रूह की ग़िज़ा का भी इंतज़ाम कर रहा है, उसकी ज़रूरत का भी इंतज़ाम कर रहा है और हमारे वजूद से पहले इंतज़ाम कर रहा है। यही वजह है कि हादी बाद में आया है और हिदायत पाने वाले पहले इस दुनिया में आए, यानी हिदायत का सिलसिला खुदा ने पहले शुरू किया, हिदायत पाने वालों का सिलसिला बाद में शुरू किया। तो पहले अंबिया का सिलसिला, फिर उसके बाद इमामों का सिलसिला, औसिया का सिलसिला हमारे सामने है और जब तक इंसानियत बाकी रहेगी ये सिलसिला भी बाकी रहेगा। यही वजह है कि एक इमाम को अल्लाह ने पर्दे गैब में रखा हुआ है कि जो हमारा हादी है, हमारा रहनुमा है, हमारा रहबर है, हमें रास्ता दिखाने वाला है। अलबत्ता हादी बदलते रहे लेकिन जो तरीक़े हिदायत और जो सलीक़े हिदायत था और जो उनवान हिदायत था वो नहीं तब्दील हुआ। आदम से ले कर ख़ातम तक और ख़ातम से लेकर के आखिरी इमाम तक हर आदि हादी अगर इस दुनिया में आया है तो इसलिए आया है ताकि इंसान को इंसान के मकसद खिलकत को बयान कर सके और ये बता सके कि तुम्हारा मकसद खिलकत क्या है और तुम्हें पैदा किस लिए किया गया है, तुम्हें खल्क किस लिए किया गया, इस दुनिया में भेजा किस लिए गया है। और अज़ीज़ाने गिरामी, जो मुतालबा अल्लाह का है वही मुतालबा नबी का भी है, वही मुतालबा मासूमीन का भी है। अब कुरान की एक ही आयत है कि जो हमें सिफारिश कर रही है साहिबान ईमान को कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान लाने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और ये इतनी ही अहम चीज़ है कि जिसे मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर खुदावंद आलम ने इसकी तकरार की है और इसका मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर हमसे मुतालबा किया है, यहाँ तक के जो साहिबान तकवा हैं उनके फ़ज़ाइल व कमालात क्या हैं, उन्हें खुदा क्या देने वाला है, उन्हें खुदा क्या अता करने वाला है, ये भी अल्लाह ने बयान कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि हम ये जो तुमसे मुतालबा कर रहे हैं इसके एवज़ में हम तुम्हें कुछ देंगे, नहीं, बल्कि ये समझ लो कि अगर मुत्तकी बन जाओगे तो पहला फायदा यह होगा कि तुम्हारा हर अमल काबिल कबूल करार पाएगा, हर अमल तुम्हारा काबिल कबूल, यह पहली अता है, यह पहला करम है और यह पहला लुत्फ है खुदावंद आलम का मुत्तकी के हवाले से कि अगर मुत्तकी बन गए तो इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि तुम्हारे हर अमल को खुदा कबूल करेगा, तुम्हारा हर अमल खुदावंद आलम की बारगाह में कबूलियत का शरफ पाएगा। पहला फायदा मुत्तकी बनने का। दूसरा फायदा फिर कुरान आवाज देता है कि वल आकिबतो लिल मुत्तकीन, और ये समझ लो कि पूरी इंसानियत में कि जिसका अंजाम बखैर होने वाला है वो है साहिबान तकवा, वो है साहिबान तकवा, कि उन्हीं का अंजाम बखैर होगा। और हमें अंजाम की फिक्र होती है कि हमारा अंजाम क्या होगा, नहीं मालूम हम बख्शे जाएंगे कि नहीं बख्शे जाएंगे, कब्र में हमारा क्या होने वाला है, बरज़ख में हमारा क्या होने वाला है, मैदान महशर में हम किस तरीके से अपने आमाल का हिसाब किताब दे पाएंगे, पुले सिरात से कैसे गुजर पाएंगे। तो खुदा कन्फर्मेशन दे रहा है वल आक़िबतो लिल मुत्तकीन, कि जिनका अंजाम बखैर होने वाला है वो साहिबान तक़वा हैं। और तीसरी खसूसियत कि जो हमारा मकसद है, जिसके लिए ये अमल, कोई भी अमल अंजाम पाता है तो किसी मंजिल तक, किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए, किसी शय को हासिल करने के लिए कोई एक मकसद होता है कि नहीं होता। इंसान दिन भर काम करता है काहे के लिए, उसका मकसद होता है पैसा कमाना, उसका मकसद होता है रकम का हासिल करना। तो ये जो नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, ये जो रोज़ा पढ़ा रखा जा रहा है, ये जो हज, ये ज़कात, ये खुम्स, ये सारे वाजिबात जो हम अंजाम दे रहे हैं, मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि जहन्नम से बचा जा सके और जन्नत में जाया जा सके। खुदावंद आलम तीसरी जज़ा साहिबान तकवा को दे रहा है कि तिलकल जन्नतुल्लती
कि ये वो जन्नत है कि जिसका वारिस हम उन्हें बनाएंगे कि जो साहिबाने तकवा हैं। तो अब ये तीन जज़ा। और अब मैं आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ कर रहा था कि जो मुतालबा खुदा का है वही मुतालबा नबी का भी है, वही मुतालबा अहले बैत का भी है। हमारे इमामों में से पहले इमाम इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जिनकी आज शब शहादत है और हम जिनका गम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अली के चाहने वाले हैं आज उनको उनके अज़ाखाने सजे हुए हैं और ज़िक्र अली हो रहा है और ज़िक्र शहादत अली इब्न अबी तालिब, मसाइब अली इब्न अबी तालिब बयान किए जा रहे हैं। तो जो मुतालबा खुदा का है, अब आप देखिए कि अली इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो वही मुतालबा, अपनी तरफ से कोई मुतालबा नहीं है बल्कि वही मुतालबा भी अपने चाहने वालों से अली कर रहे हैं, जो खुदा का मुतालबा है साहिबान ईमान से। साहिबान ईमान से जो मुतालबा अल्लाह कर रहा है वही मुतालबा अमीरुल मोमिनीन अपने मानने वालों से और साहिबान ईमान से कर रहे हैं। मैं चंद मौलाए कायनात की आज की मजलिस में वसीयतों को पेश करना चाहता हूँ कि हमें पता तो चले कि अली इब्न अबी तालिब ने हमसे मांगा क्या है, हमसे मुतालबा किया है। वो अली के जो हमेशा हमें देता रहा, वो अली के जो हमेशा हमें अता करता रहा, वो अली के जो हमारा मुश्किल कुशा है, वो अली जो हमारा हल्लाल मुश्किलात है, जो हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर मुश्किल में, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो अखरवी हो, जो हमारी हर मुश्किल में काम आया, जिंदगी में भी काम आया और मरने के बाद भी काम आने वाला है, सबसे पहले कब्र में पहुँचेगा, सबसे पहले मदद के लिए हमारी कब्र में पहुँचेगा। वह हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, हमसे क्या मांग रहा है, वह हमेशा देने वाला अली हमसे क्या मांग रहा है, यह हमारा जानना जरूरी है। तो आज की इस मजलिस में उन वसीयतों को और उन वसीयतों के फिक्रों को मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं ताकि हमें पता तो चले कि अली हमसे चाहते क्या हैं और अली की वसीयत क्या है। जब कोई इस दुनिया से जाता है तो अपने लिए वसीयतें करता है, लेकिन उमूमन जितनी भी वसीयतें आप उठा के देखेंगे तो जब जिस दुनिया से जाने वाला जाता है तो अपनी जायदाद के लिए वसीयत करता है, अपने माल के लिए वसीयत करता है, अपनी औलाद के लिए वसीयत करता है, अपने घरबार के लिए वसीयत करता है। उसे इस दुनिया से जाते हुए भी फिक्र होती है तो दुनिया की होती है, लेकिन अली इस दुनिया से जा रहे हैं तो अली को ना अपने घर की फिक्र है, ना अपने माल की फिक्र है, ना अपनी जायदाद की, था ही नहीं अली के पास कुछ भी, जो कुछ भी था सब अल्लाह की राह में अता करते रहे अली। अब इस दुनिया से जा रहे हैं तो वसीयत भी कर रहे हैं तो दुनिया के हवाले से नहीं बल्कि आखिरत के हवाले से, और वही वसीयत और वही मुतालबा है कि जो कुरान का है। और मौला आखिरी वक्त में जो वसीयत की इमाम हसन हुसैन को खिताब करके, हकीकतन खिताब ये इमाम हसन हुसैन से है लेकिन ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है हर चाहने वाले तक कि सुन लो, हसन हुसैन इमाम हैं, ये जो कुछ इनसे कहा जा रहा है एक बाप की हैसियत से, एक बाप अपने बेटे से गुफ्तगू कर रहा है, मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ कहा जा रहा है इनमें नहीं पाया जाता, नहीं पाया जा रहा है, इन्हें कहा जा रहा है, तुम्हें सुनाया जा रहा है ताकि तुम इसके ऊपर अमल करो। अब अली इस दुनिया से जाते हुए पहली वसीयत जो अली ने की है, उसी कुम बेतकवल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इतनी ही कोई अहम शय है, इतनी ही कोई इंपॉर्टेंट शय है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अली इस हवाले से वसीयत कर, इसी उसी को मां कि मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूं बेतकवल्लाह, अल्लाह के तकवे की, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इसको अपने हाथ से जाने ना देना, तकवे का दामन तुम्हारे हाथों से छूटने ना पाए, छूटने ना पाए। और तकवा यही है कि हमारी अपनी कोई मर्जी ना हो, अपना कोई मंशा ना हो, अगर मर्जी हो तो अल्लाह की मर्जी हो, अगर मंशा हो, रजा हो तो अल्लाह की रजा हो। ए मेरे हसन हुसैन, उसी को मैं बेतकवल्लाह, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूं कि अल्लाह के तकवे को इख्तियार करो। और फिर उसके बाद दूसरा फकरा है, आप देखिए कि यह खिताब हमसे नहीं है तो किससे है, मुखातब हसन हुसैन है, सुनाया हमें जा रहा है अल्लाह तब गया दुनिया इन बगत को मां वला तासफा अला शय इन मिनहा ज़ोवेआन को मां, फरमाते हैं ए हसन हुसैन याद रखना कभी दुनिया के पीछे न जाना, अगर चाहे ये दुनिया बार बार तुम्हारे पीछे क्यों ना आए। अजीजाने गिरामी, हमारी हर कोशिश, हर
जिद्दोजहद जो होती है वो दुनिया के हुसूल के लिए होती है। हम चाहते हैं कि हमें दुनिया मिल जाए, माल मिल जाए, जायदाद मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, यही कोशिश होती है। लेकिन अली वसीयत कर रहे हैं कि दुनिया के पीछे ना जाना, अगरचे ये दुनिया तुम्हारी तरफ क्यों ना आए, बार बार तुम्हारी तरफ आएगी, लेकिन इस दुनिया की तरफ पलट के ना देखना। और फिर दूसरा फिरका, वला तअसफ अला शयइन मिन्हा ज़ुवयान कुमा, याद रखना, याद रखना कि अगर माल दुनिया में से कुछ तुम्हारे हाथों से चला जाए तो कभी उस जाने वाली चीज पे अफसोस ना करना, अफसोस ना करना, इसलिए कि वो जो कुछ जा रहा है, जिसने दिया है वो इससे ज्यादा अता कर सकता है, वो इससे ज्यादा बख्श सकता है। तो वो चीज के जो खत्म हो रही है, जो हमसे छिन रही है, जो हमसे जा रही है, उसके ऊपर अफसोस काहे का, इसलिए कि वो जो हमारा देने वाला है उसके यहां कोई कमी नहीं है। जिसने आज दिया है, जो आज दिया है, वो इससे बेहतर और इससे अच्छा भी हमें अता कर सकता है। ये दूसरा फिक्रा है कि अल्लाह तब गया दुनिया इन बगत को माँ वला तासफा अला शैन मिनहा ज़ुवयान को माँ। और फिर फरमाते हैं कूला बिल हक़े वामला लिल आखिरा। अब आप गौर कीजिए कि ये जो दो फ़िक्रे हैं बड़े खूबसूरत फ़िक्रे हैं कि कूला बिल हक, कि जब भी बोलना तो हक बोलना, जब भी ज़बान खोलना तो सच बोलना, तुम्हारी ज़बान से हक के अलावा कुछ और नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारी ज़बान से हक के अलावा कुछ और नहीं निकलना चाहिए। और फिर दूसरा फ़िक्रा वामला बिल लिल आखिरा, और याद रखो तुम्हारी ज़िंदगी का छोटे से छोटा अमल हो या बड़े से बड़ा अमल क्यों ना हो, अगर वो अमल अंजाम दे रहे हो तो दुनिया के लिए अंजाम ना देना बल्कि आखिरत के लिए अंजाम देना। वअमला लिल आखिरा, जो अमल भी अंजाम पाए वो दुनिया के लिए ना हो बल्कि आखिरत के लिए अमल अंजाम पाए। अजीजान गिरामी, अगर इसकी रियायत कर ली जाए, अगर इसकी रियायत कर ली जाए, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना, हमारा बैठना, ये जो कुछ भी है, अगर इसे मखसूस कर दिया जाए आखिरत से कि अगर सोया जाए तो आखिरत के लिए, जागा जाए तो आखिरत के लिए, खाया जाए तो आखिरत के लिए, पिया जाए तो आखिरत के लिए, भूखे रहा जाए तो आखिरत के लिए, सैर हुआ जाए तो आखिरत के लिए, नमाज पढ़ी जाए तो आखिरत के लिए, रोजा रखा जाए तो आखिरत के लिए, अमल खैर अंजाम दिया जाए तो आखिरत के लिए, अमल शर से बचा जाए तो आखिरत के लिए। अब अजीजाने गिरामी, ये हकीकतन ये अली का मुतालिबा है अपने चाहने वालों से कि वअमला लिल आखिरा, जो अमल भी अंजाम देना वो आखिरत के लिए होना चाहिए। फिर तीसरा फिक्रा, मौला आवाज देते हैं कूना लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम आउना। और याद रखना कि हमेशा जालिम से दुश्मनी रखना, कभी जालिम से दोस्ती ना करना, कभी जालिम को अपने करीब ना आने देना। वकूना लिल मज़लूम आउना, और ये याद रखना कि अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, अगर तुम किसी पे जुल्म होता हुआ देखो तो ऐसा ना करना कि अपना दामन बचा के हट जाओ कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई राबता नहीं है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं। आओ ना, तुम पे लाजिम है कि तुम मजलूम की मदद करो। लिल मज़लूम में आओ ना, तुम पे लाजिम है कि मज़लूम के मददगार बन जाओ, तुमसे मुतालिबा। क्यों? इसलिए कि तुम सारी जिंदगी मज़लूम पे आंसू बहाते हो, इसलिए कि तुम सारी जिंदगी मज़लूम पे गिरिया करते हो, तो तुम पे फर्ज है कि जब मज़लूम पे आंसू बहा रहे हो, गिरिया कर रहे हो, रो रहे हो, उसका मातम कर रहे हो, उसकी फर्श अज़ा भी छा रहे हो, उसका चाहने वाला अपने आप को बताते हो, तो तुम पे लाजिम है कि तुम्हारे सामने कहीं ऐसा ना हो कि कोई मज़लूम ऐसा हो कि बेया वरो मददगार रह जाए। नहीं, तुम पे लाजिम है कि तुम उसकी मदद करो, तुम पे लाजिम है कि तुम उसके मददगार बन जाओ। और फिर उसके बाद आवाज देते हैं, फिर अब ये फिक्रा है, यहां से जो गुफ्तगू शुरू हो रही है, अजीब जुमले हैं, उसी को मां व जमीया वलदी व अहली व मन बलगहु किताबी बितक्वल्ला। फिर से वसीयत उसी की कि जो कुरान कर रहा है, उसी को मां, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूं, व जमीया वलदी, और अपनी सारी औलादों को वसीयत करता हूं, व अहली, और अपने अहले बैत को वसीयत करता हूं, वमन बलगहु किताबी, और हर वो कि जिस तक मेरा ये पैगाम पहुंचे मैं उसे वसीयत करता हूं, बेतकवल्ला, कि वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे।
पहला फिक्रा भी अल्लाह के तकवे के हवाले से सिफारिश, फिर मौला सिफारिश कर रहे हैं कि अल्लाह का तकवा इख्तियार किया जाए। और फिर दूसरा फिक्रा हम लोगों के लिए है, ये सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारे बर्बाद होने की, आज हमारे बेयावर और मददगार होने की, आज जो हम इन पस्तियों में हैं, इन तनजुलियों तनजुली में हैं, उसका सबब क्या है? इस फिक्रे से मौलाए कायनात बता रहे हैं कि इसका सबब क्या है। व नज़्म अम्रकुम उसी को मां बे नज़्म अम्रकुम, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो, अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो। अब अपने उमूर को मुनज़्ज़म करने का मतलब क्या है कि तुम्हारा कोई भी अमल होना चाहिए वो एक प्लान के तहत होना चाहिए, वो एक नज़्म के तहत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी भी अमल को अंजाम देने के लिए जाओ तो उसके बारे में तुम्हारे पास मालूमात ना हो, तुम्हारे पास इल्म ना पाया जाए। नहीं, बल्कि तुम्हारा सुबह से लेकर के शाम तक जिंदगी के शऊर की मंजिलों में कदम रखने के बाद से, जिंदगी की पहली सांस से लेकर के आखिरी सांस तक सारी चीजें कैलकुलेटेड होनी चाहिए, मुनज़्ज़म होना चाहिए। तुम्हारा खाना मुनज़्ज़म होना चाहिए, तुम्हारा पीना मुनज़्ज़म होना चाहिए, तुम्हारा उठना मुनज़्ज़म होना चाहिए, ये तुम्हारा बैठना, हर अमल उसी हिसाब से होना चाहिए। और जब, और ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये हर उस कामयाब आदमी की कामयाबी की दलील है कि जिसने नज्म को इख्तियार किया है। नज्म इंसान की जिंदगी में बहुत अहम है। आज हमारे जैसे लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आज हमारे जैसे लोग अगर किसी काम के नहीं है तो उसकी वजह यही है, परेशानियों का, मुश्किलात का शिकार है, तो उसका सबब यही है कि हमारे उमूर में नज्म नहीं पाया जाता, हमारी जिंदगी में कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है, हमारे जीने का कोई हदफ नहीं है। वह नज़्म में, वह उसी को मां बे नज़्म में, उसी को मां वह नज़्म में अम्रकुम उसी को मां नज़्म में अम्र, तुम दोनों को वसीयत करता हूं कि तुम अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो। और फिर उसके बाद मौला आवाज देते हैं, वसलाहा ज़ाते बैनकुम, और मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि आपस में एक दूसरे के साथ सुलह व मुसालहत कायम करो, एक दूसरे के दरमियान में सुलह व मुसालहत कायम करो। कहीं ऐसा ना हो कि इख्तलाफ का शिकार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इंतशार का शिकार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की तरह से तुम भी फिरके फिरके में बढ़ जाओ। नहीं, सलाह ज़ाते बैनकुम तुम पे लाजिम है अगर तुम मेरे मानने वाले हो, तुम पे वाजिब है अगर तुम मेरे चाहने वाले हो, तुम पे लाजिम है अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाले हो, तो आपस में सुलह व मसालहत कायम करो। फिर फरमाते फइन्नी समितु जद्दकुमा सलाह ज़ातिल बैन अफ़ज़लु मिन आमिस सलाते वस्सियाम। फरमाते क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हारे नाना से सुना है कि आपने फरमाया कि आपस में सुलह मसालहत का कायम करना ये एक साल की नमाज और एक साल के रोजे से ज्यादा अफजल है। यानी कितनी अहमियत दी जा रही है इस चीज को कि आपस में सुलह मसालहत कायम की जाए, एक दूसरे का ख्याल किया जाए। और फिर उसके बाद मौला आवाज देते हैं, अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम फला तुगिबु अफवाहुम वला ज़य्यु बिहज़रतकुम। अब आप सोचिए, देखिए यहां से हुकूकुन नास का तस्किरा मौलाए कायनात कर रहे हैं, और किस तरीके से हमको एक इज्तिमाई शक्ल में, और हमारे हवाले से मौला ये चाहते हैं कि तुम मुनज़्ज़म तरीके से एक दूसरे से कैसे जुड़े रहो, किस तरीके से वाबस्ता रहो। तुम हमारे अंदर भी मौलाए कायनात वो सिफात देखना चाहते हैं जो सिफात अली के अंदर पाई जाती थी। अली यतीमों का सरपरस्त था, अली यतीमों का सहारा था, तो हमसे भी मुतालबा कर रहा है, अल्लाह अल्लाह तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, यतीमों से कभी गाफिल ना होना, यतीमों से कभी गाफिल ना होना, कभी ऐसा ना हो कि वो यतीम कभी शेर हो तो कभी भूखे रह जाएं। नहीं, तुम्हें उनका ख्याल करना है। वला यज़ीउ बिहज़रतकुम, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मौजूदगी में उनका हक जाया हो जाए। ये सिफारिश है अली इब्ने अबी तालिब की अपने चाहने वालों के हवाले से कि यतीमों का ख्याल करना, उनके हुकूक से, उनकी परेशानियों से कभी गाफिल ना होना। तुम पे फर्ज है कि तुम उनका सहारा बनो, तुम पे लाजिम है कि तुम उनका साथ दो। और फिर फरमाते वल्लाह वल्लाह फी जीरानकुम फइन्नहुम वसीयतु नबीयकुम। फरमाते हैं कि तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, जिस तरीके से यतीमों से कभी गाफिल ना होना, उसी तरीके से कभी पड़ोसियों से भी गाफिल ना होना।
कभी पड़ोसियों से भी गाफिल ना होना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो शिकम शेर हो करके सो जाओ लेकिन तुम्हारी पड़ोस में कोई ऐसा भी हो कि जिसे दो वक्त की रोटी नसीब ना हो, जो भूखा सो रहा हो। याद रखना, तुमसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में, तुमसे पूछा जाएगा उसके बारे में कि जब हमने तुम्हें दो रोटी ज्यादा दी थी, तुम शिकम शेर होके सो रहे थे, तुम्हारे बच्चे भूख और प्यास भूखे और प्यासे नहीं थे, उनका पेट भरा हुआ था, तो पड़ोसियों को क्यों ख्याल नहीं किया? ये तुम पे फर्ज है कि उनका ख्याल करो। और फिर फरमाते हैं फइन्नहुम वसीयतु नबीयकुम, क्यों? इसलिए कि ये पड़ोसी तुम्हारे नबी की तुमसे वसीयत है, इनके हवाले से नबी ने तुमसे ताकीद किए। और फिर फरमाते मा जाला यूसी बहिम हत्ता जनन्ना अन्नहु सयुवर्रिसुहुम, कि इस कदर मेरे नबी ने पड़ोसियों के हकूक के हवाले से वसीयत की है कि हमें गुमान होने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी मीरास का भी उन्हें हकदार बना दें। इतनी वसीयत नबी ने पड़ोसियों के हकूक के हवाले से हमसे की है। वल्लाह वल्लाह फी जीरानकुम, याद रखना अपने पड़ोसियों के हकूक से गाफिल ना होना। और फिर फरमाते हैं मौला वल्लाह वल्लाह फिल कुरान ला यसबिकुकुम बिल अमल बिही गैरुकुम, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, इस अल्लाह की किताब कुरान से कभी गाफिल ना होना, इस अल्लाह की किताब कुरान से कभी गाफिल ना होना। क्यों? इसलिए कि अगर तुम इससे गाफिल हो गए तो ऐन मुमकिन है कि तुम्हारे गैर, तुम्हारे दुश्मन इसके ऊपर अमल करके तुमसे आगे बढ़ जाएं और तुम वहीं के वहीं रह जाओ। फरमाते हैं कि ला यसबिकुकुम बिल अमल बिही गैरु, कहीं ऐसा ना हो कि गैर इस पे अमल के मामले में तुमसे आगे बढ़ जाएं। क्यों? इसलिए कि कुरान पढ़ने से फ़ायदा नहीं देता, कुरान अमल से फ़ायदा देता है। कुरान इल्म है और वो इल्म बेकार है कि जिसके अंदर अमल ना पाया जाए। और यही वजह है कि जितने हरूफ इल्म में हैं उतने ही हरूफ अमल के अंदर भी पाए जाते हैं, और जो जो हरूफ इल्म में हैं वो हरूफ अमल के अंदर भी पाए जाते हैं। ऐन मीम लाम, और अमल के अंदर भी, इल्म के अंदर भी ऐन लाम मीम, उतने ही अमल। ये बराबर का इसीलिए रखा गया है कि आलिम वो नहीं है कि जो जानता हो, आलिम वो है कि जो जानता हो उसके ऊपर अमल भी करता हो। जब तक अमल सामने ना आ जाए उसे आलिम तस्लीम नहीं किया जा सकता। फरमाते हैं कि इस कुरान से गाफिल ना होना। आज जो कुरान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, आज जो कुरान की तौहीन की जा रही है, एहानत की जा रही है, गैर कर रहे हो तो कोई शिकवा नहीं है। आज का वो जमाना आ गया है कि आज अपने हैं कि जो कुरान पे उंगली उठा रहे हैं, और अगर कोई पढ़ा लिखा उठा रहा हो तो बात भी समझ में आती है। वो कुरान पे उंगली उठा रहे हैं कि जिन्हें उर्दू पढ़ने की तमीज नहीं है, जो कुरान भी पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं, वो कुरान पे उंगली उठा रहे हैं। इससे बड़ी और जहालत की और क्या दलील हो सकती है? तो मौला आवाज देते हैं वल्लाह वल्लाह फिल कुरान, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं कुरान के हवाले से, तुम्हें खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, कभी कुरान से गाफिल ना होना। और फिर उसके बाद आवाज देते हैं अगला फिकरा मौला कायनात का, आवाज़ देते हैं कि वल्लाह वल्लाह फिस सलात, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, नमाज से कभी गाफिल ना होना, नमाज से कभी गाफिल ना होना। कैसे गाफिल हो सकते हो? जिसका तुम मातम करने के लिए बैठे हो उसके सर पे ज़रबत भी लगी है तो हालत सजदा में लगी है, सजदे के आलम में उस पे ज़रबत लगी है। जिस हुसैन का तुम साल भर मातम करते हो, जिस हुसैन की फर्श अज़ा तुम साल भर बिछाते हो, उस हुसैन का सर भी कलम हुआ है तो सजदे के आलम में हुआ है। तुम नमाज से कैसे गाफिल हो सकते हो? वल्लाह वल्लाह फिस सलात, नमाज से कभी गाफिल ना होना। फइन्नहा अमूदु दीनकुम, क्यों? इसलिए कि यही नमाज है कि जो तुम्हारी दीन की इमारत का सुतून है, जिसके ऊपर तुम्हारे दीन की इमारत टिकी हुई, उस सुतून का नाम है नमाज। कभी इन नमाज से गाफिल ना होना वरना तुम्हारे आमाल की इमारत, तुम्हारे दीन की इमारत ढह जाएगी। और फिर फरमाते हैं वल्लाह वल्लाह फी बैत रब्बकुम, कभी अल्लाह के घर, अल्लाह के खाने काबा से गाफिल ना होना। अल्लाह के घर बैत, अल्लाह के बैत से, खाने काबा से गाफिल नहीं ना होना। ला तखलूहा मा बकियो तुम, मा बकी तुम, उस वक्त तक जब तक तुम जिंदा हो कभी इस खाने काबा को तनहा ना छोड़ना, अकेला ना छोड़ना। इसलिए कि अगर तुमने इसे अकेला छोड़ दिया, इन तुरे का लम तो ना अदरू, ये याद रखना कि अगर तुमने इसे तनहा छोड़ दिया फिर तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी, फिर तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। और फिर अब आवाज़ देते हैं वअलैकुम बित्तवासुल, एक दूसरे से जुड़े रहना तुम पे लाजिम है, तुम पे वाजिब है,
अगर तुम मेरे मानने वाले हो, वालेकुम बित्तवासुल, एक दूसरे से वाबस्ता रहना, सिले रहम करते रहना, वत्तबाजुल, एक दूसरे को बख्शते रहना, एक दूसरों की जरूरत बनते रहना, एक दूसरे की मुश्किलात और परेशानियों में काम आते रहना, वइयाकुम वत्तदाबुर वत्तकातो, याद रखना एक दूसरे से मुंह मत फेरना, एक दूसरे से ताल्लुकात को खत्म ना करना। हाँ अजीजो, ये अली की वसीयत है। दो तीन फिक्रे और हैं इस वसीयत के, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मैं आखिरी मंजिल पे आ गया। फिर फरमाते हैं ला ततरकुल अमरा बिल मारूफ, याद रखना कि कभी अमर बिल मारूफ को तर्क ना करना, व नहीं अनिल मुनकर, नहीं अनिल मुनकर को कभी तर्क ना करना, न अमर बिल मारूफ, न लोगों को अच्छाई की तरह दावत देने को छोड़ना, न लोगों को बुराई से रोकने के हवाले से तुम्हें इस अमल को तर्क नहीं करना चाहिए। अच्छाई की तरफ दावत भी देते रहो, लोगों को बुराइयों से रोकते भी रहो। हाँ ये जरूरी है, ये लाजिम है कि जब किसी को अच्छाई की तरफ दावत दी जाए तो पहला फरीजा उस दावत देने वाले का यह है कि वो खुद पहले अमल कर ले, तब लोगों को दूसरी नेकी की तरफ दावत दे। बुराई से रोकने के लिए लाजिम है कि पहले खुद अपने वजूद को, अपने दामने किरदार को उस बुराई से बचा ले, तब लोगों से कहे कि इस अमल की तरफ, इस अमल शर की तरफ न जाएं, तो जबान में असर भी पैदा होगा, अल्लाह भी मददगार होगा। और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, जिस मुआशरे से, जिस कौम से अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क कर दिया जाए, फरमाते हैं कि फयवल्ले अलैकुम शरारकुम, तो ये याद रखना कि तुम्हारे ऊपर अशरार को मुसल्लत कर दिया जाएगा, वो लोग के जो बुरे हैं उनको मुसल्लत कर दिया जाएगा, उनको हाकिम बना दिया जाएगा। और अब आप देखिए कि ये वो जमाना है कि जिस जमाने में ये अली इबन अबी तालिब की जो पेशिनगोई थी वो कितनी सच साबित हो रही है। फरमाते हैं कि अगर अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क कर दिया गया, नतीजा यह होगा कि अशरार को, वो के जो बेदीन हैं, वो के जो बेअमल हैं, वो के जो शर हैं, शरीर हैं, उन्हें मुसल्लत कर दिया जाएगा। और फिर फरमाते सुम्मा तदऊना फलायुस तजाब लकुम, और याद रखना कि इसकी सजा यह होगी कि फिर तुम दुआ करते रहोगे और तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी नहीं, अल्लाह तुम्हारी किसी फरियाद को सुनने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुमने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क किया है। लिहाजा अब तुम लाख दुआ करते रहो कि इस शरीर को, इन अशरार को हमारे सर से हटा लिया जाए, इस अजाब को खत्म कर दिया जाए, लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। और फिर आखिर में मौला कायनात अपनी औलादों को खास वसीयत करते हैं, या बनी अब्दुल मुत्तलिब लअल्फियन्नका तखूजूना दिमाग अल मुस्लिमीन खौजा, याद रखना कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे कत्ल का बहाना करके लोगों के दरमियान में कत्ल गारत, मुस्लिमीन के दरमियान में कत्ल गालत, कत्ल गारत करो। ना, हरगिज़ ऐसा ना करना। हाँ अलबत्ता, अलबत्ता तुम अगर कत्ल करना भी चाहो तो सिर्फ उसे को कत्ल करना कि जिसने मुझे, मेरे सर पे ज़रबत मारी है, उसने मेरे सर पे एक ज़रबत मारी ही तो उसे भी एक ही ज़रबत मारना, दूसरी ज़रबत उसे न मारना। क्यों? इसलिए कि उसने मेरे सर पे एक ज़रबत मारी थी, तो क़िसास भी जो बनता है तो उसे भी अगर कत्ल करना तो एक ही ज़रबत से कत्ल करना। हाँ अजीज़ो, ये छोटी सी वसीयत थी अली इब्ने अबी तालिब के लिए, कि हमारे लिए, लेकिन इस वसीयत के अंदर हमारी पूरी जिंदगी सिमटी हुई है। हाँ अजीजो, इतना करीम मौला, इतना अपने चाहने वालों को चाहने वाला मौला, इतना अपने चाहने वालों की फिक्र करने वाला मौला, उनकी दुनिया की फिक्र करने वाला, उनकी आखिरत की फिक्र करने वाला, आज की शब जब आई है तो वह मौला हमसे रुखसत हो गया। हाँ अजीजो, ये वही शब है कि जिस शब में अली के सर पर जरबत पड़ी। हाँ अजीजो, आज की शब अली उम्मे कुलसूम के घर पर मेहमान थे। उम्मे कुलसूम नकल करती हैं कि जब आज मेरा बाबा अफ्तार के लिए आया है तो चेहरे का रंग बदला हुआ था, अजीब उनवान था अली इब्ने अबी तालिब का, आंखों में आंसू भरे थे अली इब्ने अबी तालिब के। जब इफ्तार का वक्त आया तो मैंने बाप की मोहब्बत में एक कासा शीर खा, थोड़ा सा नमक और जौ की सूखी हुई रोटियां रखी कि जिस
जिससे मेरा बाबा इफ्तार किया करता था। जब अली दस्तरखान पे बैठे और एक मर्तबा इन नेमतों को देखा तो सवालिया निगाहों से उम्मे कुलसूम की तरफ देख के कहते, ए उम्मे कुलसूम, क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे बाबा ने एक वक्त में दो दो नेमतों से इफ्तार किया हो? इनमें से एक नेमत को उठा लो। उम्मे कुलसूम के दिल में बाप की मोहब्बत थी, चाहा के नमक को उठाए। अली ने हाथों पे हाथ रखा, नहीं उम्मे कुलसूम, नमक को ना उठाओ बल्कि इस दूध के प्याले को उठा लो। अली की निगाह देख रही थी, अभी थोड़ी देर बीतेगी मेरा कातिल गिरफ्तार करके लाया जाएगा, वो प्यासा होगा, अरे ये कासे शीर उसे पिलाया जाएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम, अली इफ्तार कर चुके। उम्मे कुलसूम कहती है कि मेरा बाबा मुसल्ला इबादत पे आया, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। लेकिन अजीब उनवान है अली का, बार बार घर से बाहर आते, खुजरे से बाहर आते, आसमान की तरफ देखते और देख करके आवाज देते, खुदा की कसम यही वो शब है कि जिस शब में मैं अपने रब से मुलाकात करूंगा, खुदा की कसम यही वो शब है कि जिसका वादा मुझसे रसूल खुदा ने किया था, यही वो शब है कि जिस शब में अली की दाढ़ी खून से खिलाब होगी। हाँ दीदो, जब शब का वो पहर आया कि जिस शहर शब जिस पहर में अली मस्जिद में जाया करते थे, अली हुजरे से बाहर निकले, आंगन में पहुंचे, सहने खाना में पहुंचे, तो कुछ बतें पली हुई थी। उन बतों ने अली इब्ने अबी तालिब को अपने हिसार में ले लिया, अपनी अपनी मिनकारों से अली के आबा के दामन को पकड़ के खींचने लगी। शायर जबान बेजबानी में कह रही हो, ए मौला आज घर से ना जाओ, इसलिए कि हम जानते हैं कि आज जो तुम मस्जिद में जाओगे तो अपने पाँव पे वापस आना नसीब ना होगा, बल्कि गिलीन पे तुम्हें उठा के लाया जाएगा। जदाकुम रब्बुकुम, अली मस्जिद कूफा में आए। हाँ लो, आज अली की आखिरी इबादत है, आज आखिरी मर्तबा मस्जिद कूफा में अली मुसल्ला इबादत में खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए क्या कैफियत होगी अली की सुबह इबादत में, क्या इन्हमाक होगा। गुलदस्ते अजान पे पहुंचे, आवाज अजान फजा में गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आज अली जब ये फिक्रे अपनी जबान से अदा कर रहे होंगे, अली जानते हैं कि यह आखिरी अजान है, तो आप सोचिए अली के दिल की कैफियत क्या होगी। हाँ बेशक मैं गवाही देता हूं कि उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कि जिससे मैं मुलाकात करने जा रहा हूं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कि जिनसे मिलने के लिए आज मैं जा रहा हूं। हाँ अजीजो, अजान तमाम हुई, आए मुसल्ले इबादत के ऊपर, अरे पहली रकत का पहला सजदा था, अली ने अब जो अपनी पेशानी को जमीन पर रखा, अरे अली को फिर अपने अपने सर को खुद से उठाना नसीब ना हुआ, बल्कि इब्ने मुलजिम की जहर में बुझी हुई तलवार अली के सर के ऊपर पड़ी, सर शगाफ्ता हुआ, फिजा में अली की आवाज गूंजी, फुस्त व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। हाँ अजीजो, अब मस्जिद कूफा में अली, अरे अपने खून में गलता तड़प रहे हैं, मस्जिद कूफा की खाक उठा उठा के अपने जख्म पे डालते जाते हैं। फिजा में एक मुनादी ने आवाज दी, लतहद्दमत अरकानुल हुदा, कद लतहद्दमत अरकानुल हुदा, कद कुतिल इब्न अम्मिल मुस्तफा, लो अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए, अरे इब्न अम्म मुस्तफा को कत्ल कर दिया गया। ये आवाज अरे अली के घर से टकराई, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के खानों में पहुंची, तड़प के आ गई, भैया हसन हुसैन, अरे मेरे बाबा की खैर हो, देखो ये कैसी आवाजें आ रही हैं। हसन हुसैन दौड़ते हुए मस्जिद कूफा में आए, अब जो देख पहुंचे हैं मस्जिद कूफा में, तो क्या आलम है, खुदा किसी बेटे को ये मंजर ना दिखाए, देखा कि अली का चेहरा अपने खून में गलता है, मस्जिद कूफा में अली तड़प रहे हैं। हसन आगे बड़े, बाप के सर को उठा के अपने जानुओं पे रखा, अबा के दामन से अली के चेहरे के खून को साफ किया। हाँ वो मौका भी आया कि अली को घर ले जाया जाए, एक तरफ से हसन ने सहारा दिया, एक तरफ से हुसैन ने सहारा दिया, लेके चले, अभी कुछ ही दूर चले होंगे कि अली को अपने पांव से चले
चलना ना पड़ा, चलने की हिम्मत ना हुई, अली अपने पांव से ना चल सके, बैठ गए। एक गिलीन मंगाया गया, अली को उस पे लिटाया गया, 18 बनी हाशिम मौजूद थे। आप सोचिए ये सब ने सहारा दिया होगा, एक सिरा हुसैन ने थामा होगा, एक सिरा अब्बास ने थामा होगा, एक सिरा इमाम हसन ने थामा होगा, मोहम्मद हनफिया भी मौजूद रहे होंगे, सारे बनी हाशिम ने सहारा दिया होगा कि अली को कोई तकलीफ ना हो। मैं कहूंगा मौला बेशक बड़ी मजलूमी की जरूरत थी कि जो आपके सर पे लगी। अरे वो जालिम था, कायनात का शकी तरीन इंसान कि जिसने आपके सर पे जरूरत मारी, लेकिन मौला सहारा देने के लिए 18 बनी हाशिम मौजूद है। लेकिन जरा करबला के मैदान में आके देखो, लाशा है कि जो बेगौरों कफन जमीन पर पड़ा हुआ है, ना कोई गुस्ल देने वाला, ना कोई कफन को पहनाने वाला। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, मैंने मजलिस को तमाम कर दिया, आखिरी दो फिक्रे और आपकी जहमत तमाम लेके चले। अभी घर कुछ ही दूर रह गया था कि अली ने आवाज दी, जो मेरे चाहने वाले आ रहे हैं इनसे कहो अपने अपने घरों को वापस चले जाए, इसलिए कि जब मैं अभी घर में दाखिल होऊंगा, ज़ैनबों में कुलसूम की निगाह मेरे ऊपर पड़ेगी, इस हाल में मुझे देखेंगी तो शायद बर्दाश्त ना कर सके। अरे गिरिए की आवाज बुलंद होगी, मुझे गवारा नहीं कि मेरी बच्चियों के रोने की आवाज ना महरम के कानों में पड़े। मैं कहूंगा मौला ये 47 का कूफा है, लेकिन जरा 61 के कूफे में आके देखो, यही ज़ैनबों में कुलसूम है जो बेमकलाओ चादर दयार बदयार फिर ही जा रही है। मुनादी नदा दे रहा है, ए तमाशा देखने वालों आओ तमाशा देखो, देखो ये रसूल की बहू बेटियां हैं ये जिन्हें हम कैदी बना के लाए हैं। अल्लाह सत्य पीरा है, बच्चों को प्यार।
Hello, Mona.